यदि आपके गम्स, आपके मसूड़ों में सूजन आ रही है, जब भी आप ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगता है, आपके मुंह से आती है बहुत बुरी दुर्गंध, आपके दांत पीले पड़ चुके हैं या फिर हल्के ब्राउनिश कलर के होते जा रहे हैं, या फिर आपके दांतों का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और आपके दांत कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम नज़र आ रहा है तो सिम्टम हो सकते हैं पायरिया के, जिसे पेरिडोंटाइटिस भी कहा जाता है। इसके शुरुआती स्टेज को कहा जाता है जिंजिवाइटिस। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 होम रेमेडीज जिनसे आप बड़ी आसानी से पायरिया को घर बैठे खत्म कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, पायरिया की होम रेमेडीज को जानने से पहले मैं पायरिया का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा, ताकि आपको यह समझ आए कि पायरिया क्या है और आप उसको बड़ी आसानी से घर पे खत्म कर सकें। देखिए, पायरिया मतलब आपके माउथ में, आपके मसूड़ों में, आपके दांतों के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ चुका है। आपके नॉर्मली माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर हाइजीन नहीं रख पाते, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती हमारे दांतों की, दांतों में गंदगी जमी रहती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बैक्टीरिया वहाँ इन्फेक्शन करने लगते हैं। इन्फेक्शन की जैसे सूजन आती है, ब्लीडिंग होती है और मुंह से बहुत बुरी बदबू आने लगती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा बढ़ गई, और उसी ग्रोथ को बढ़ने की वजह से हम कहते हैं इसे पायरिया, जो कि माउथ का एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी स्टेजेस बहुत वेरी करती हैं। शुरुआती स्टेज में आपको नॉर्मल सिम्टम्स नजर आएंगे, बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि दांतों के बीच का जो मसूड़े हैं वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं, दांतों में बहुत ज्यादा स्पेस आने लगता है, बहुत ज्यादा जगह होने लग जाती है, और कई केसेस में ऐसा होता है कि दांत भी गिरने लग जाते हैं। उम्र से पहले जो दांत गिर रहे हैं वो इसी की वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है, पायरिया हो चुका है, जो कि एंड स्टेज पे जा चुका है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 होम रेमेडीज के बारे में जिससे आप बड़ी आसानी से घर बैठे पायरिया को खत्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं 5 होम रेमेडीज बताने वाला हूँ। पांचों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन जो शुरुआती 4 होम रेमेडीज़ हैं वो थोड़ी बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ में लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जो कि बड़े डिजास्टर को, बड़े नुकसान को बचा सकती हैं। तो इन चारों को आप ध्यान से सुनिए, फिर हम पांचवें के ऊपर आएंगे। देखिए, फर्स्ट होम रेमेडी है टर्मरिक जेल की, जो कि आप बड़ी आसानी से घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर में आप थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको एक पेस्ट नुमा बना लीजिए, एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने दांतों पर प्रॉपर्ली लगा लीजिए और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, हल्दी में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो बैक्टीरिया आपके माउथ में ग्रोथ कर रहे हैं, जो ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहे हैं, उसको ये हल्दी का जो पेस्ट हम लगा रहे हैं वो उससे मरने लगेंगे और आपका जो पायरिया है वो कुछ दिन में ठीक होने लगेगा। इसको आपको दिन में 2-3 बार करना है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी होम रेमेडी है सॉल्ट वाटर रिंस की, यानी कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी गुनगुना करना है, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच आपको नमक मिलाना है और उससे आपको कुल्ला करना है, उससे माउथ वॉश करना है। इससे क्या होता है, नमक से क्या होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो खत्म होने लगती है। बैक्टीरिया ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, तो वो जब आप इस तरह के दिन में 3-4 बार इस तरह से गार्गल करेंगे, माउथ वॉश करेंगे, थोड़ी देर तक मुंह को इस नमक के पानी से भर के रखेंगे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म होने लगेगी, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है वो मरने लगेगी, इससे भी आपको पायरिया में काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी होम रेमेडी है ऑयल पुलिंग की, यानी कि आपको किसी भी तरह का एडिबल ऑयल लेना है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल आप ले सकते हैं। उसका 1-2 चम्मच लेकर आपको मुंह में लाना है, उसको पीना नहीं है, उसको सिप नहीं करना है, आपको उसको मुंह में रखना है और उसको इस तरह से एक्टिविटी आपको करनी है, इस तरह की एक्टिविटी आपको 10-15 मिनट तक करनी है। इससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी आपके माउथ में है वो सारी ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगी और जब 10-15 मिनट बाद आप उस ऑयल को स्पिट करेंगे, थूक देंगे, तो सारी गंदगी आपसे बाहर निकल जाएगी और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसमें रिडक्शन आने लगेगा। फोर्थ होम रेमेडी एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, कि जब भी आप किसी तरह का खाना खाएं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बाद 5-6 बार कुल्ला ज़रूर करें, माउथ को वॉश करें। 5-6 बार करने से क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में चिपके हुए हैं, जो दांतों के अंदर चिपके हुए हैं, वो निकल जाएंगे और निकलने की वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो आपके माउथ में ग्रो नहीं कर पाएगा। और साथ ही डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, अगर आपके दांतों में कहीं कैविटी है, दांतों में जो फूड है वो फंस जाता है, तो आप डेंटल फ्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5th होम रेमेडी के बारे में, जिसे आपको घर में ही तैयार करना होगा, और ये है डेंटल टूथपेस्ट, एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो कि आप घर में ही बनाएंगे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको 6 इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत होगी। आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, 10 ग्राम हल्दी पाउडर डाल लीजिए, यानी कि टर्मरिक पाउडर आपको 10 ग्राम लेना है,
10 ग्राम आपको लेना है सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। इसमें ये जो बाउल है मेरे हाथ में आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐड करते जाना है 10 ग्राम हल्दी पाउडर, 10 ग्राम रॉक सॉल्ट पाउडर, 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 10 ग्राम नीम के पत्तियों का जो पाउडर होता है वो, मतलब आप क्या कीजिए नीम की पत्तियां ले आइए कहीं से भी, और नीम की पत्तियां लाने के बाद उसको सुखा दीजिए, एक दो दिन में सूख जाएगी, उसका पाउडर बना लीजिए आप पीस के, मिक्सी में पीस जाएगी आराम से, मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए और 10 ग्राम उस पाउडर को ले लीजिए। तो ये तो हो गई चार चीज़ें, अब दो चीज़ें और बची हैं। तो अगली चीज़ है फिटकरी यानी कि एलम, एलम का भी 10 ग्राम लीजिए आप, फिटकरी का 10 ग्राम लीजिए, उसको पैन पे यानी कि तवे पर हाई फ्लेम पे आपको हीट करना है। तो जब आप हीट करेंगे एलम को तो क्या होगा, उस वो लिक्विडाइज हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी, और कुछ देर में उसका जो लिक्विड पार्ट है वो उड़ जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, और वहाँ बच जाएगी एक ऐश यानी कि राख, यानी कि फिटकरी की राख बच जाएगी। तो वो 10 ग्राम राख आपको लेनी है और इस चार चीज़ों के मिक्सचर में मिलानी है और इसको पांच चीज़ों का मिक्सचर बना देना है। और छठी चीज़ है क्लोव्स यानी कि लौंग, इसको आपको 2 ग्राम लेना है, 5 से 15 पीस आप लौंग के ले सकते हैं, और इसको बारीक से पीस करके आप इन मिक्सचर में मिला दीजिए। बाकी सब चीज़ें 10-10 ग्राम है, लौंग है जिसे आपको 2 ग्राम लेना है। इसी रेशो पे आपको, अगर आपको ज़्यादा भी बनाना है ये पाउडर तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन रेशो यही रहेगा, तो उस रेशो के हिसाब से आप बदल सकते हैं। तो आप इस लौंग के पाउडर को भी इन सारी चीज़ों के साथ मिला दीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और मिलने के बाद ये तैयार हो चुका है आपका एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर, जिसे आप सुबह शाम दिन में 2 बार कीजिए, आपका पायरिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए जो टूथपेस्ट पाउडर है ये हाईली इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये साइंटिफिक तौर पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं। जैसे कि आप हल्दी पाउडर को देख लीजिए, आप नीम के पत्तियों का जो पाउडर है उसे देखिए, नमक को आप देखिए, सारे एंटी बैक्टीरियल है, मतलब ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको खत्म करने का काम करेंगे। जो एलम है, जो फिटकरी है, वो क्या करती है, जो क्लॉटिंग का काम करती है, जैसे आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो उसको क्लॉट करेगी, जिससे क्या होगा, खून बहना बंद हो जाएगा, मुंह में सूजन कम आएगी, मुंह साफ होगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लौंग से भी आपको फायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को गिराएगी, आपका पायरिया खत्म करेगी। लेकिन अगर आपके केस में कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए, अगर आप इन होम रेमेडीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं दिख रहा है, सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपके केस में क्या हो सकता है कि आपका पायरिया या तो ज़्यादा स्टेज पे चल गया हो, जैसे कि जो दांतों के ऊपर जो लेयर जमती है येलो कलर की या ब्राउनिश कलर की, वो ज़्यादा हो गई हो, जो कि नॉर्मली तरह से नहीं जा रही हो, तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो क्लीनिंग करेंगे, तब जाके ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा आपका। तो अगर आपको नहीं जा रहे सिम्टम तो प्लीज़ एक डेंटिस्ट को ज़रूर सजेस्ट करें। लेकिन एक नॉर्मल केस में इन होम रेमेडीज़ को आजमाकर आप बड़ी आसानी से पायरिया को घर बैठे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, अगर आपको नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किन किन जगह घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी हैं, कितना बजट आपको चाहिए, कितना टाइम लगेगा घूमने में, कैसे आप जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मज़ा भी आएगा देखने का और एंटरटेनमेंट आपको इससे भरपूर मिलेगा। तो अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज़ मेरे व्लॉग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।